तो देखिए अमीर बनने के दो ही रास्ते हैं, पहला आप पैसा कमाएं और खूब कमाएं, और दूसरा उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अच्छा देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप हमेशा क्या सोचते होंगे कि अच्छा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेकिन कम से कम 10-12-15 लाख रुपए तो चाहिए होते हैं ना, लेकिन जिनके पास 50,000 या 70,000 या 1 लाख रुपए हैं वो किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो देखो दूसरा ऑप्शन आता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। देखो गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन से तो बच सकते हैं, लेकिन जो आने वाले एक डिकेड के अंदर आप अपने पैसे को जो मल्टीप्लाई कर पाएंगे वो अच्छा रिटर्न आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो 2014 में गोल्ड का रेट क्या था? लगभग 28,000 पे, और आज 2024 चल रहा है, जो अक्टूबर चल रहा है, खत्म होने को आ गया ये साल, और इस समय गोल्ड का रेट चल रहा है 77,000 रुपये अराउंड, इतना ही चल रहा है। तो अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो कितना है, लगभग 2.5 गुना। तो देखो अब मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आप एक डिकेड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को 7 से 8 गुना 10 गुना या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो वो जगह है स्टॉक मार्केट। अब आप स्टॉक मार्केट को कहेंगे वही सट्टा जुआ जहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो जहाँ लोग ज़्यादातर अपने पैसों को खोते हैं, जिनको आपने सुना होगा वहाँ लाखों रुपये अंकल ने खो दिए, वो पड़ोस में सुना था उन्होंने 5 लाख का नुकसान कर दिया, वो ज़्यादातर करते हैं ट्रेडिंग, जो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। देखो जितना बड़ा बिजनेस में रिस्क होगा उतने ज़्यादा रिटर्न आने के चांस होंगे और नुकसान होने के भी चांस होंगे, आप बस इतना समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में। अब बैंक क्या देता है आपको साल का? मैक्सिमम 6% रिटर्न। सपोज अगर आपने बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं तो आपको कितना मिल रहा है साल का? 6 लाख रुपए। अगर उसको दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 1800-1900 रुपए। अब आप ये सोच के देखिए कि बैंक वो आपको 6% जो दे रहा है वो कहां से देता होगा? अच्छा बैंक कहां से कमाता है? तो बैंक देखो एक तो लोन प्रोवाइड करता है जहां से पैसा निकालता है, लेकिन दूसरा जो मेजर पार्ट है वो है स्टॉक मार्केट। हाँ सच में वो आप ही का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां से 18%, 20%, 16% या 30% तक का रिटर्न निकालता है, जिससे वो आपको 6% देता है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, आप दूसरी जगह पैसा कहाँ रखते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब इंश्योरेंस पॉलिसी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सपोज करो आपने कई सालों में आपने इन्वेस्ट करा 25 लाख रुपये इन्वेस्ट किया कि जब मैं रिटायर होऊंगा या मेरे बच्चों की शादी होगी या एजुकेशन में बच्चों के लगाऊंगा तो 25 लाख का मेरे को 75 लाख रुपए मिल जाएगा, तो वो जो 3 गुना आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है वो कहाँ से दे रही है, वो कहाँ इन्वेस्ट करती है ये आप नहीं सोचते होगे? वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो आप क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट यानी हमारे देश की इकोनॉमी? तो आप जो पैसा लगा रहे हैं अपने देश के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि देश का बिजनेस नहीं चलेगा, और देश का बिजनेस नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? तो ऐसा नहीं होना, यानी कि मार्केट हमेशा धीरे धीरे करके ऊपर जानी ही जानी है और आपके पैसों में एक अच्छा रिटर्न आना ही आना है। तो आप ये भी समझ लीजिए जैसे जैसे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एक राइट गाइडेंस और अपनी एक रिसर्च, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आने वाले कुछ सालों के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आप सुनते होंगे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, तो क्या स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी सारी कंपनियां आप उन सभी कंपनियों को देख पाते होगे? नहीं, आप क्या देखते हैं? सेंसेक्स और निफ्टी। अच्छा ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी हमारे इंडिया के इंडेक्स फंड है। तो ये इंडेक्स फंड कैसे बनता है? इंडेक्स फंड हमारे देश की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को जोड़ के ये फंड बनाया जाता है, जिसके अंदर सेंसेक्स आता है, और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां होती है और निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां होती हैं। अच्छा देखिए हमारे देश में दो ही एक्सचेंज है, एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE के अंदर देखिए लगभग 5,000 कंपनियां हैं और NSE के अंदर जो है वो लगभग 2,200 कंपनी है। तो इसको टोटल एक अराउंड मानेंगे तो 7200 करीब कंपनियां हैं जो समय हमारे इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 5,000 कंपनी है उन 5,000 कंपनी में से टॉप 30 कंपनियां निकाल के सेंसेक्स बनाए। NSE के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो निफ्टी 50 है वो उन 2,200 कंपनी में से सिलेक्ट करके टॉप 50 कंपनी निकाली गई है। तो इस इंडेक्स फंड के अंदर रहने के लिए इन सभी कंपनियों को अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी उनको इस इंडेक्स फंड से निकाल दिया जाएगा, और दूसरी जो बड़ी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उनको इन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो अब आपको फाइनली क्या करना है? निफ्टी या सेंसेक्स से अपने हिसाब से बेस्ट कंपनियों को पिक करना है और अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें 12 या 15 स्टॉक ही रखें, जिससे कि आपको एक एवरेज अच्छा रिटर्न्स आ सके। अच्छा अब मैं आपको एग्जांपल में ना टाइटंस कंपनी के रिटर्न का रेशियो दिखाता हूँ पिछले 2 डिकेड्स के अंदर कैसा रहा। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है,
अच्छा अगर आपने 2003 में टाइटन में इन्वेस्ट किया होता तो 2003 में टाइटन का जो शेयर था वो 3 रुपए का था, और आज 2024 में ये जो समय टाइटन का शेयर चल रहा है वो है लगभग 3400 रुपए। तो क्या आप समझते हैं, अगर आपने 2003 के अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 1 लाख रुपए आपके 20 सालों बाद बन गए होते 11 करोड़ रुपए, और ये रिकॉर्ड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने 2002 में एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया होता तो उस समय उसका शेयर था 20 रुपए का, और आज एशियन पेंट का जो भाव है वो है 3000 रुपए। यानी अगर आपने एशियन पेंट में वो 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो आपके पैसे 1.5 करोड़ रुपए बनते 20 सालों के अंदर। तो आप रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स है वो अनलिमिटेड है। तो बस आपको क्या करना है, जब आप कोई स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है, किसी टिप्स के बेस पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छी रिसर्च करके अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं और वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे मैंने बताया 12 से 15, तो वो एक एवरेज आपका जो रिटर्न्स कैलकुलेशन आएगा फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर 10 साल भी आपने रख लिया तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आपने 20 साल तक अगर अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखा इन्वेस्टमेंट को, या थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो आप नहीं समझ सकते कि फ्यूचर के अंदर आप कितने करोड़पति बन सकते हैं। तो फाइनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर दीजिए। सोचिए मत, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल चालू करें। और अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम मनी का लिंक है, उस पर क्लिक करें और डीमैट अकाउंट खुलवा के अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, 1000 रुपए से ही शुरू करें मंथली बेस पे, लेकिन इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि आप नहीं जानते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आज शुरू करना शुरू करते हैं, सपोज करो आपकी एज कितनी होगी, 20 22 25 साल की होगी, अगर आज से अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर देते हैं, अपनी जो भी सैलरी कमाते हैं या जो भी बिजनेस शुरू कर दिया है या आप कमाना चाह रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें से जो इन्वेस्टमेंट को आप निकाल के स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप नहीं जानते आने वाले 20 सालों के बाद या 18-20 सालों के बाद वो आपका पैसा आपको कितना गुना बन के मिलेगा। तो पेटीएम मनी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये जो मेरी वीडियो के अंदर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आपके लिए वर्थफुल है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को अपने परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकें और स्टॉक मार्केट में जो अपना नज़रिया है वो बदल सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, धन्यवाद।